हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट क्लास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको सॉरी क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक वीक हो गया है फ्रेंड्स, मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसलिए से आप सबसे सॉरी फ्रेंड्स। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देखा ही होगा मैं आज क्या बनाने वाला हूँ, और क्रिसमस भी आ रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आप सबको एक क्रिसमस ट्री बनाने वाला हूँ। हाँ फ्रेंड्स, बहुत ईजी तरीके से। फ्रेंड्स, मैं आपको सारी वीडियो मेरी इजी ही होती है क्योंकि आप लोग वो बना पाए, इसलिए सब मैं वीडियो इजी ही बनाता हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ हो मैं इजी ही बनाता हूँ क्योंकि आप लोग भी फिर बना पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक ग्रीन कलर का A4 साइज पेपर ले लेना है, मार्केट में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब आपको इसे कुछ इस तरह से, फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपको फोल्ड करना होगा, एक कोन शेप बना लेना होगा। ये देखिए, जैसे मैं बना रहा हूँ, बस बन गया। फ्रेंड्स, कोन से बनने के बाद आपको इसे फेविकॉल की सहायता से इसे स्टिक कर देना है। फ्रेंड्स, स्टिक करने के बाद आपको इसे कुछ इस तरह से इसमें सीजर की सहायता से कट्स लगा देने होंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखिए, हमारा कोन शेप आ चुका है। फ्रेंड्स, आपको A4 साइज के पेपर से एक स्ट्रिप बना लेना है, और फ्रेंड्स आपको कुछ इसे इस तरह से पहले फोल्ड करना होगा, इसे छोटा बनाना होगा। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस तरह से बनाने के बाद, छोटा करने के बाद आपको इसमें हल्के हल्के कट्स लगा लेने हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैं लगा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जब ये हो जाएगा तो अब इसे आप खोलेंगे तो कुछ इसे इस तरह का आपको दिखेगा। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स आपको इसे कुछ इस तरह से पीछे के साइड में फोल्ड करना है। फ्रेंड्स, हमारा ये जो क्रिसमस ट्री है इसका फ्रेंड्स कौन, आपको कुछ इसे फेविकॉल की स्टिक करके आपको कुछ इसे यहाँ पर लाइन बाय लाइन स्टिक करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे कर देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे लगा लिया, और आपको यही प्रोसेस सब जगह इसमें करना है। फ्रेंड्स चलिए, फ्रेंड्स इसे कर देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे आधा कंप्लीट कर दिया, और चलिए फ्रेंड्स इसे पूरा कर देते हैं अब। फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, और मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आगे। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको एक ब्राउन कलर का A4 साइज का पेपर लेना है, मैंने इसमें थोड़ा पीस कट कर लिया है, और आपको इसे एक रोल बना देना है। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैं बना रहा हूँ फ्रेंड्स, और रोल बना के इसे पेस्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आपको इसमें हल्के हल्के यहाँ पर कट्स लगा देना, जैसे देखिए फ्रेंड्स कैसे लगा देता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कट्स लगा देने हैं इसमें। फ्रेंड्स, इसमें मैंने फेविकॉल लगा दिया है, और आप लोग ये अब ये क्रिसमस ट्री के अंदर स्टिक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इसे स्टिक कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कार्डबोर्ड का सर्कल बना लिया, और ये जो पेपर है फ्रेंड्स, इसके में आपको स्टिक करके इसको स्टिक करके आपको एक सर्कल बना लेना है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे बना लिया है। फ्रेंड्स, अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसे यहाँ पर स्टिक कैसे करें। मेरे पास इसका एक आइडिया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगा दीजिए फ्रेंड्स, और इसे फ्रेंड्स कुछ इस तरह से करिए फ्रेंड्स, और इसमें फ्रेंड्स फेविकॉल स्टिक कर दीजिए, और इसे यहाँ पर स्टिक कर दीजिए फ्रेंड्स, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टिक कर दीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये क्रिसमस ट्री। मैंने ऊपर एक गोल्डन कलर का स्टार लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, आपने क्रिसमस ट्री का लुक देख ही लिया होगा, बहुत ब्यूटीफुल है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए आपसे फिर से सॉरी कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मेरी अब नेक्स्ट वीडियो आएगी अब मंडे को। फ्रेंड्स यस फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट वीडियो मंडे को आएगी। अब फ्रेंड्स, ये वीडियो ख़त्म हो गया है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।